भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः शिवाय। चौथा मंत्र षष्ठ प्रश्न में जी स्वामी जी। अच्छा, भाष्य कुछ शेष है, अंतिम है ना, तो ये अध्यारोप है। अध्यारोप है। स प्राणम आश्रियत प्राणाश्रद्धाम खम वायु ज्योतिराप पृथिवीन्द्रिय मन अन्नम अन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्मालोका लोकेषु च नाम च। यही है। तो ये खम शब्द गुणम ये सब हो गया है ना, तो ये सब बल आदि सब अन्न से वीर्य उत्पन्न हुआ, वीर्य मंत्र बल, सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनम, फिर क्या हुआ तप उत्पन्न हो गया। यही यहाँ पर भाषा में देखो, तद वीर्यवताम च प्राणीनाम तपो विशुद्धि साधनम संक्रियमाणानाम। मंत्र क्या है? तपो ये मंत्रः तपो विशुद्ध अंतर्बहिकरणेभ्य कर्म साधन भूतः। ये देखो भाई, ये मंत्र क्या होता है? कर्म के साधन का कारण होता है। मंत्र के बिना तो कर्म होगा नहीं। क्यों जी? बोलेंगे गौरी गणेश का ध्यान करो तो हो जाएगा ध्यान? ये मंत्र बोलना पड़ेगा। मंत्र बोलना पड़ता है। मंत्र रेव अर्थस्मर्तव्य नियम आया। मंत्र से उपास्य और उपास्य के स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, अर्थ का चिंतन करना पड़ता है। मंत्र रेव अर्थ स्मर्तव्य, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर कह रहे मंत्र तपो विशुद्ध अंतर। तप से क्या होता है? अंतकरण शुद्ध होता है, बहिकरण भी शुद्ध होता है, दोनों शुद्ध होता है ना? ऐसा जो अग्निहोत्र कर्म करने वाले है उनके द्वारा कर्म का साधन हो गया कौन? मंत्र। मंत्र कौन? ऋग यजोसाम अथर्वा अंगिरस ततः कर्म। उससे फिर क्या होता है? मंत्र से कर्म उत्पन्न होता है। कौन? अग्निहोत्रादि लक्षणम, क्योंकि कर्म में श्रेष्ठ ना अग्निहोत्र। मंत्र है कर्म में श्रेष्ठ, अग्निहोत्र नित्य कर्म है ना, कर्म में नित्य कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि नित्य कर्म से चित्त क्या होता है? शुद्ध होता है, इसलिए है। ठीक है ना? थोड़ी टीका देख लो। अच्छा,
तेषां भूतानां लक्षणतया ये हो गया। वायु श्रुतो वायु इत्यादि प्रथमा द्वितीय अर्थ, क्योंकि जो वायु आया ना, देखो वायु हो ज्योति आप हो, इसको द्वितीयांत कर दो। क्यों द्वितीयांत में करना है? क्योंकि प्राणम असृजत, क्योंकि मंत्र में पहले प्राणम द्वितीयांत आया ना, ये भी हो गया था। तैरव अपंचकृत अवस्थायाम तैरव, क्योंकि ये जो आया ना ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कौन से पंचमाव से उत्पन्न होते हैं? अपंचीकृत सूक्ष्म से उत्पन्न होते हैं ना अंतकरण, ये इंद्रिय आदि। तस्य च ईश्वरम कहने से क्या हुआ? ये मन होता है मालिक, इंद्रियों का मालिक कौन होता है? मन होता है मालिक, मतलब नियामकम है ना। पहले मन में प्रवृत्ति होती है, बाद में इंद्रिय में प्रवृत्ति होती है, ठीक है। संक्रियमाणा मतलब क्या होता है? भाष्य देखो, पहले भाष्य संक्रियमाणा कहाँ पर है? संक्रियमाणा है भाष्य में कहीं, संक्रियमाणा के आगे है 106 है उसमें, लास्ट से दूसरी पंक्ति, लास्ट से दूसरी पंक्ति। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। प्राणिनाम तपो विशुद्धि साधनम संक्रियमाणा नाम, हाँ वो संक्रियमाणा नाम क्या होता है थोड़ी ठीक है देखो। अविशुद्ध सततया पापा आचरण, ये भी तो हो गया था मेरे ख्याल से है ना। ये देखो पाप का आचरण करता है ना, क्यों पाप का आचरण करता है मालूम है? ये सत्य गुण यदि अविशुद्ध हो तब तो पाप करेगा, ते ही पाप है, फिर उसे पाप हो जाता है, फिर उसे क्या होता है? तब संक्रिय माणा नाम शंकर परिणाम है, ऐसे शंकर दोष को परिहार करने के लिए तप करना पड़ता है, इसलिए तप हो गया। चित्त शुद्धि साधनम, चित्त शुद्धि का साधन क्या होता है? तप, इसलिए तप को उत्पन्न किया परमात्मा ने। अब देखो भाई तो लोका, फिर लोक उत्पन्न हो गया। लोक मतलब क्या होता है? कर्मणाम फलम, कर्म से फल उत्पन्न होता है ना, इसलिए फल को यहाँ पर लोक शब्द से कहा। क्यों थोड़े ठीक है देखो, लोक्यते भुज्यते ते लोक फलम इत्यर्थ है, लोकरी दर्शन है भोग अर्थ में हुआ, ये लोक का अर्थ यहाँ पर फल, कर्म अर्थ में घ प्रत्यय हुआ। नाम च भाष्य में तेसु च सृष्टानाम प्राणीनाम नाम च, प्राणियों का नाम उत्पन्न हो गया, कौन? देवदत्त जज्ञदत्त इत्यादि। ये देखो देवदत्त जज्ञदत्त ऐसे ही नाम देना चाहिए, ये जिसका कोई अर्थन हो ऐसा नाम देना चाहिए नहीं। टीका देखो, ब्राह्मण आदि नामना उक्त व्यवहार असंकरार्थम इत्यर्थ, केवल ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कह दे नहीं होगा ना, उसमें सब आ जाएंगे तब तो शंकर हो जाएगा, इसलिए केवल ब्राह्मण कहने से नहीं होगा, देवदत्त है जज्ञदत्त है ऐसा नाम को लीजिए यहाँ पर, ब्राह्मण तो केवल जातिवाचक होगा। अच्छा आगे देखो, एवं एताहा कलाहा, थोड़ी टीका है ननु ईश्वर श्रेष्ठत्व उक्त्या कलानाम सत्यतम अंगीकर्तव्यम। देखो ये कलाओं को 16 कला है कि नहीं, 16 कला को किसने उत्पन्न किया? ईश्वर ने। ईश्वर जब उत्पन्न करेगा फिर ये मिथ्या कैसे होगा? सत्य है ना, ये तो द्वैतवादी लोग कहते हैं भाई, भगवान जब बना रहे हैं जगत को, हाँ वो कैसे मिथ्या हो जाएगा? स्वप्न का संसार तो मिथ्या हो सकता है, जागरण में ये तो भगवान ने बनाया भाई इसको, ये कैसे मिथ्या होगा? सत्य होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा लोग मानते हैं। आरोपे सुक्ति रजत आदो श्रेष्ठत्व व्यवहार बाद, देखो सुक्ति, सुक्ति में रजत का आरोप होता है, तो रजत की सृष्टि हुई
उसको सृष्टि शब्द का प्रयोग करते हो। प्रातिभाषिक पदार्थ में जो आरोपित पदार्थ होता है उसमें सृष्टि का प्रयोग होता है क्या? नहीं होता है। धन में कि नहीं? ये जगत की सृष्टि हुई इसलिए आरोपित नहीं कह सकते, इसको सत्य कहना चाहिए। इति आशंका, ऐसी आशंका करके देखो थोड़ी ठीक है। अंगुली अवस्टम्भ नेत्र मर्दनादिना प्रयत्न सृष्टस्य द्विचंद्र मशक मक्षिकादिर आरोपत्व दर्शना। ये देखो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं, दिखने मात्र से व्यवहार होने मात्र से मिथ्या क्या बोलते सत्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। मिथ्या वस्तु होने मिथ्या वस्तु में भी सृष्टि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। धन में कि नहीं? क्या मिथ्या वस्तु में भी सृष्टि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ये कह रहा हूँ पर देखो कैसे दृष्टांत दे करिए। अंगुली अवस्टम्भ नेत्र मर्दनादिना, अंगुली को देखो ऐसे कर दो, अंगुली रख दिया ऐसे, अथवा आँख को ऐसे मरोड़ दिया ऐसे थोड़ा सा जोर से, बच्चे लोग जैसे करते हैं, ऐसा प्रयत्न से क्या होता है? सृष्टस्य फिर सृष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? चंद्रमा एक है, दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, द्वि चंद्रमा, और आँख को थोड़ा मल दो जो देखो ऐसे करके, और फिर देखने लगो मच्छर भी दिखाई देगा, छोटे 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 कीड़े दिखाई देते हैं। ये कह रहे द्वि चंद्र फिर मशक कभी मक्षी भी दिखाई देगा, मक्षी का देर ये आरोपित है, नहीं है वास्तविक तो है नहीं। आरोपत्व दर्शना, इसका मतलब क्या हुआ? आरोपित पदार्थ को भी सृष्ट उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जा सकता है, कहते भी है, श्रुति भी बोलती। देखो अथ रथान रथ दो रथ जोगान पथ सृजते। ये देखो ये स्वप्न का दृष्टा क्या कर लेता है, स्वप्न में रथ बना दिया, देखो रथ है और क्या है, रथ योग रथ में जिसका संयोग हो रहा है घोड़ा, घोड़े है, फिर क्या है मार्ग है, फिर स्थान है जहाँ पहुँचना है, सब बना लेते हो कि नहीं? है कोई सत्य? स्वप्न पदार्थ में भी सृष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इति सृष्टत्वेन उक्त स्वप्न पदार्थस्य, इसलिए स्वप्न पदार्थ क्या हुआ? सृष्ट है, उत्पन्न हुआ कहा जाता है ना। ब्रह्मत्व दर्शनात् है तो सब भ्रम ही है। इसलिए मैं एकदम आप जो कहते हो परमात्मा ने जो बनाया वो मिथ्या नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। इसलिए कह रहे एवं एता कहाँ पर भाष्य में देखो, एता कला प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीजापेक्षा, ए दो अविद्यादि दोष जो है ना यही बीज है, इसके कारण सब कला है उत्पन्न है सृष्टा। तैमिरिका दृष्टि सृष्टा एव, जैसे तैमिरिका दोष हो गया तो उत्पन्न दिखते हैं चंद्रमा आदि, कोई पीला भी दिखता है श्वेत पीला दिखता है, द्वि चंद्र किसी को दो चंद्र दिखाई देगा, किसी को मच्छर दिखाई देगा, मशक आगे क्या है मक्षी खाद्य, किसी को मक्षी दिखाई देगी। सपना दृक् सृष्टा ये बच्चे से सपना दृष्टा के द्वारा सृष्टि होगी स्वप्न की, सर्व पदार्थ है इस पर जागृत में सारे पदार्थ ले लो, सर्व पदार्थ पुनः इतना तक अध्यारोप हो गया, लेकिन इनमें से कोई सत्य है? कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए तस्मिनेव पुरुषे प्रलीयन्ते, जहाँ से उत्पन्न हुए उसी में लीन हो जाते, इसका मतलब है उत्पत्ति होने पर भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं, प्रलय होने पर भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं, और वर्तमान भी अधिष्ठान आदावंते जन्नास्ति वर्तमान अभी तत्था। अब मांडू के सुनोगे पूरा हो रहा है ना, अब मांडू का में ही सब आएगा। इसलिए वर्तमान में भी जो भी नाम रूप दिखाई दे रहा है वो अपने अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं, वही ब्रह्म वही आत्मा स्वरूप है।
इसलिए कह रहा है देखो हित्वा नाम रूप आदि विभागम, नाम रूप को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, अधिष्ठान ही रहेगा। थोड़ी ठीक है देखो, अविद्या अविद्या आदि दोषों का ना, आदि से क्या लगे काम कर्म सब ले लो, अविद्या काम कर्म आदि दोष रूपम यत बीजम, यही हो गया बीज। तत् अपेक्षया इसके कारण ही तत्साधन कृत्वा इतरत, तत् अपेक्षा मतलब इसको साधन मान करके सारे सृष्टि है, इसका मतलब सृष्टि प्रलय सब अविद्यक है, वास्तविक कुछ नहीं है। तैमिरी का शब्द आया भाष्य में, तैमिरी का शब्द से और भी ले लो, तैमिरी का शब्दों नेत्रे अंगुली अवष्टम्भादि उपलक्षणार्थम, नेत्र में अंगुली रख दो तब भी दिखाई देता है, दो दो है ना, दो दो दिखाई देता है। एवं इसी प्रकार से आत्मा प्रतिपत्त्यर्थम अध्यारोपम उक्त्वा, इसलिए क्या हुआ कि वो आत्मज्ञान के लिए ये श्रुति अध्यारोप करती, ये जगत की उत्पत्ति होगी कहती, ये अध्यारोप है। तद अपवादम, फिर अपवाद क्या हुआ, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं, ऐसा निश्चय करने का नाम क्या होता है, अपवाद, इसको कहते हैं अपवाद, इसको कहते हैं अध्यारोपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते, नाम रूप प्रपंच से रहित अधिष्ठान वस्तु, अपवादो नाम सर्प सर्पो रज्जुरेव यथा तथा चित विवर्तकात्मकं विश्वम चिदेव इति निश्चयः, इसी का नाम होता है अपवाद, ठीक है ना। सर्प जैसे रसि ही है, इसी प्रकार ये सारा जगत कैसा है, चित का विवर्त है, चितेव इले विवर्त पदार्थ चित स्वरूप ही है सब, चित से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा है, एक जगह पर आज गए थे, एक जगह पर गए थे भिक्षा में गए थे, तो फिर जो है इधर इधर की बात पूछा हो, एक भक्त पूछे तो एक स्वामी जी बोले अरे तुम अपनी बात करो, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो। अपनी बात क्या महाराज, अरे तुम कौन हो बताओ। सच में सारे संसार की बात क्या करोगे, सारा संसार जब कल्पित ही है तो उसकी क्या चर्चा करनी है। क्यों जी, चलो भाई, ये सारा जगत कैसा है, चित का विवर्ती है कि नहीं, चर्चा उसी करो। संसार की क्या चर्चा करोगे। आगे चलो, कथम देखो कहते हैं नाम रूप को नाम रूपादि विभागम, नाम रूपादि विभाग है ना, इसका त्याग कर देंगे तो क्या है, अधिष्ठानी शेष है। हाँ? कैसे, कथम ही पूछा देखो, स जते मद्य संध्यमान समुद्रायण समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्येते तासाम नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवं एव अस्य परिदृष्टुरिमा षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते च आसाम नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। देखो भाई, ये मंत्र है, वो कहते हैं कि कोई छूटा तो नहीं ना, सब ठीक है, ठीक है। स मतलब समदृष्टांत है, यथा इमा नद्यः संध्यमान, ये जो बहती हुई नदियां हैं, बहती हुई नदियां का आश्रय कौन है, समुद्र, समुद्र से ही आया है, समुद्रायणः ऐसा कहा।
क्योंकि उसका स्वरूप जो है ना समुद्र का स्वरूप को ये नदी का स्वरूप क्या होता है, समुद्र ही होता है। समुद्रम प्राप्य, समुद्र की ओर जाता है। देखो नदी का स्वभाव ही होता है, जहाँ से आया है उधर ही जाता है। मिट्टी का ढेला ऊपर फेंक दो, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऊपर नीचे ही आएगा वो। और लोग बोलेंगे वैज्ञानिक लोग बाध्यकरण शक्ति, हम बोलेंगे अपना स्वरूप है वो, अपना स्वरूप की ओर जाएगा। समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छति, समुद्र को प्राप्त हो गया तो उसका नाम रूप कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहता। इसलिए कह रहे हैं भित्येते तासाम नाम रूपे, इसलिए तासाम, तासाम मतलब नदी नाम, नदियों का नाम ना रहेगा ना रूप, ना गंगा जमुना कुछ नहीं, ना उसका ना उसकी आकृति रहेगी स्वरूप। फिर क्या हुआ स्वरूप उनका, समुद्र इत्येवं प्रचय, समुद्र ही कहा जाता है उसको। ये तो दृष्टांत हुआ, एवं एव इसी प्रकार से परिदृष्टुर, परिदृष्टि का परिदृष्टु मतलब संप्रकाश जो आत्मा है, अधिष्ठान संप्रकाश है वो, उसमें आरोपित कौन हो गए थे, इमाह षोड़श कलाह, जैसे उसके नदियों का स्वरूप कौन है, समुद्र। इसी प्रकार ये नाम रूप का स्वरूप कौन है, पुरुष, पुरुषा जड़ा पुरुषम प्राप्य। ये देखो ज्ञान यदि अधिष्ठान का हो जाए तो कैसा होता है, पुरुष को ही प्राप्त कर लिया, नाम रूप कुछ रहा नहीं, प्राप्त अस्तम गच्छन्ति, अस्त लीन बाधित हो गए सब। विद्यते च आसाम नाम रूपे, ना कोई नाम रहा ना कोई रूप रहा, भले नाम बोलते जाओ भक्त लोग। और के नाम रखते जाओ, उसका रूप रखते जाओ, फोटो ले लो, फोटो रखो दीवार पर। ना कि उसका रूप नाम है ना कोई रूप है कि नहीं, ऐसा कहा। पुरुषा इत्येवं प्रच्यते, सब पुरुष ही कहा जाता है, किसको, नाम रूप, नाम रूप का अधिष्ठान तो पुरुष ही है। स ऐसो, लेकिन जो जिसमें लीन हो गए अधिष्ठान में, वो अधिष्ठान कैसा है, हैं, वो परोक्ष है कि अपरोक्ष है, अपरोक्ष है वो, साक्षात अपरोक्ष है। अब क्या होगा, साक्षात अपरोक्ष है ना, हाँ लाइट नहीं है फिर भी अपने स्वरूप का भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लाइट की क्या जरूरत है, लाइट नहीं है फिर भी स्वयं का भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब चलो लाइट हमने दिखा दिया, अब चल लाइट दिखाओ, चल लाइट ना दिखाओ और क्या। अपना स्वरूप जैसा ही ऐसा ही है, चल लाइट आवे चल लाइट जावे। देखो स ऐसो अकलो, उसमें कला है ही नहीं, हैं अमृत विनाशी है ही नहीं। सच में ना, ठीक है, ये आत्मा कैसा है, अमृत है, नित्य है, जन्म मरण से रही है कि नहीं, जन्म है, जन्म क्या आत्मा का होता है क्या, शरीर। अच्छा कभी आपने जन्म का अनुभव किया है, नहीं। मैं जन्म, फिर जन्मदिन मनाते हो ना, आपने कभी अपने का जन्म का अनुभव किया है, ना। और मरने का, पता नहीं। ना जन्म का अनुभव किया हो ना मरण का अनुभव किया हो, हैं फिर कितनी भ्रांति है देख लो, हैं ना कभी आपने जन्म का अनुभव किया है, हैं ना कभी मरण का अनुभव किया है, फिर भी कितनी भ्रांति, मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ है, देखो कितनी भ्रांति है।
स एष अकलो अमृत भवती तदेश श्लोक। इसके विषय में अगला श्लोक, श्लोक मतलब मंत्र। देखो आगे, स दृष्टांत किसकी, अरे आंखें खराब हो जाए तो हो जाए, चलो देखा जाएगा आगे की बात को। जथा लोके, आगे देखो, आंखें खराब हो गए बोले इसलिए आगे। चलो, जथा लोके इमान अद्यः सिंधमानः श्रवन्त्यः समुद्रायणः समुद्रोयनम् गतिरात्म भावो यासां ताः समुद्रायणः समुद्रं प्राप्य उपगम्य अस्तं नामरूप तिरस्कारं गच्छन्ति। जैसे लोके व्यवहार में इमान अद्यः, ये जो नदियां है, कौन नदी, सुखी नदी, ऋषिकेश में एक नदी है सूखी नदी, जल है ही नहीं उसमें, सूखा रहता है, सूखी नदी बोलते, नाम ही सूखी नदी हो गया है ना। हाँ, वो शहर के बीच में है ना ऋषिकेश में, देखो सूखी नदी। तो ये ऐसी नदी नहीं है, संध्यमाना है, बहती हुई जो नदी है। श्रवंत्य समुद्रायणा मतलब क्या है, समुद्र अयनम यासाम, अयन मतलब अयगतो गति, गति मतलब यहाँ पर आत्मभाव स्वरूप है ना। तो नदी का स्वरूप क्या होता है, समुद्र, या शाम तहा समुद्रायणा, समुद्रम प्राप्य, समुद्र की ओर जाती है ना, समुद्र को प्राप्त कर लिया, उपगम्य अस्तम, अस्त हो गया, क्या अस्त हो गया, नाम रूप तिरस्कारम, ना कोई नाम है ना कोई उसका रूप रहा, तिरस्कारम गच्छन्ति, ठीक है ना। तासाम च गस्तम गतानाम भिद्यते, थोड़े टीका देखो, अस्त शब्द ना नाशो ना विधीयते, भेद को उपाधि नाम रूपयोर नाशे पि स्वरूपस्य समुद्रात्मना विद्यमानत्व इत्यतः नाम रूप तिरस्कार। भगवान ने, भाष्यकार ने अस्त शब्द का तिरस्कार क्यों किया, अस्त शब्द का तिरस्कार इसलिए किया, देखो अस्त शब्द ना नाश कोई ना समझे, फिर भेदक उपाधि नाम रूप है, देखो नदियों में जो भेद हो रहा है, इस भेद का है तो कौन है, उपाधि है ना, स्वरूप में भेद ना होने पर भी भेदक होता है उपाधि, ये उपाधि कौन है, नाम रूप, यो हो नाम रूप ही है उपाधि, ठीक है ना। वो नाश है भी, नाम रूप न रहने पर भी नदियों का जो स्वरूप है उसका नाश नहीं होता है, इसलिए स्वरूपस्य, स्वरूप कौन है, समुद्र, समुद्रात्मना विद्यमानत्वात्, इसलिए नदी समुद्र जाने पर, समुद्र में जाने पर भी रहती कि नहीं रहती नदी, रहती है, स्वरूप से रहती है, स्वरूप से रहती है, ठीक। इसी प्रकार से ये षोड़श कला जो उपाधियाँ है, ये ना रहने पर भी जीवन रहेगा ना अपने स्वरूप में, स्वरूप से तो अभिन्न है, हाँ अधिष्ठान, इसलिए कहा नाम रूप तिरस्कार। पूर्व रूप तिरस्कार मित्र, ये तात्पर्य, पहले जो पूर्व रूप कौन था, नदी, वो स्वरूप नहीं रहा, अपना मूल स्वरूप रहा, इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है ना। तद वस्तु इति, भाष्य में देखो, तासाम च अस्तम गतानाम विद्यते विनशतो नाम रूपे गंगा जमुना इत्यादि लक्षण, इसलिए नदियों का क्या हो, नाम रूप अस्त हो गए, विद्यते विनशतो नाम रूपे, है कौन कौन नाम रूप, गंगा है, जमुना है, ये सब ले लो रखे, ठीक है भाई बहन, बस इतने में रखें आज। ओम पूर्ण, तो नहीं कल तो पाठ, कल अष्टमी है क्या, कल अष्टमी, अष्टमी का लंबा है ना वो, आजकल वो सब तिथि गड़बड़ है ना, नहीं नहीं अष्टमी, नहीं नहीं अष्टमी,
अष्टमी कल नहीं परसों करो, परसों करिए, क्योंकि अष्टमी का उदय तिथि ना परसों है, अष्टमी की उदय तिथि परसों है, कल नहीं है। हाँ जी, एकादशी इस बार कब है? एकादशी देखना, एकादशी, एकादशी भाई मैं एक मिनट, तो संडे के संडे मेरे को आया मैसेज, एक मिनट, एकादशी का पंचांग में मंडे है, है? क्योंकि वो छोटा है ना तिथि, वो तिथि रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बताता हूँ, दशमी वाली छोटी है, बता रहा हूँ बता रहा ऐसा है द्वादशी का ये एकाद रुको बताता हूँ भाई, एकादशी है 13 तारीख है, रविवार को है, संडे को है, ठीक है, ओम नमो नारायण, ठीक है, संडे को है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।